वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज अहोय। मेरा नाम है तुषार। एक क्विक रिव्यू आज तरु तिलिस्म का। तो तरु तिलिस्म एक सेकंड पार्ट है अश्व सम्राट बाकेलाल श्रृंखला का। तो इसमें अश्व सम्राट बोला गया है, अश्वराज नहीं, और नीचे यहाँ पे अश्वराज बाकेलाल मेंशन है। तो आई थिंक इसके तीन पार्ट हैं, और इसका पहला पार्ट था आबूरा का तिलिस्म। और इसमें यहाँ पे संजय जी ने बात की है कि इसके बाकी पार्ट्स आएंगे। और आबूरा का तिलिस्म में बताया गया है कि कैसे षड्यंत्रों के शिकार होकर राजकुमारी अश्वकीर्ति अपना रूप खोने की कगार पे खड़ी है। और इसमें एक्चुअली स्टोरी दो पैरेलल ट्रैक पे चलती है। एक बाकेलाल का जो टिपिकल होता है, राजा विक्रम सिंह की मृत्यु की योजना बनाता रहता है और उसी हिसाब से, और उसमें दूसरे में अश्वराज का दिखाया गया, अश्वराज और अश्वकीर्ति जो एक चंद्रलोक और सूर्यलोक होता है वो वाला। तो आबूरा का तिलिस्म मैंने पढ़ी है, पर वो उसमें बहुत कुछ हो रहा होता है, और मतलब कुछ नथिंग वॉज मेकिंग मच सेंस। और आर्ट बहुत अच्छा था, उसके कलर्स बहुत अच्छे थे, और पुराना पुराने उसमें कुछ ट्रिब्यूट्स भी थे पुराने फ्रेम्स के। और इसका तीसरा भाग स्वर्ण ग्रंथ है, तो शायद इनको जैसे फीडबैक मिलता रहता है ये इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, और वो अच्छी बात है। और इसमें आते हैं तो तरु तिलिस्म में जो ये टीम है, सुशांत पंडा जी और बसंत पंडा जी का इसमें बहुत ही शानदार काम है, और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये बुक। और इस स्टोरी के बारे में ये बता सकता हूँ कि काफ़ी फैंटेसी कॉमेडी टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। और इसमें जिस तरह से ब्लेंड करा गया है बांकेलाल और अश्वराज के नैरेटिव्स को, वो इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक हॉरर कॉमेडी टाइप के एलिमेंट्स देखने को मिले, और इसमें तूता बूता का एक स्टैंडी आया था, और तूता बूता का अच्छा रोल है इसमें। और विक्रम सिंह की स्टोरी भी बहुत ऑब्वियसली बांकेलाल के तो ट्रैक्स फनी होते ही हैं, पर जिस तरह से ये डार्क एलिमेंट्स इसमें आते हैं, और बांकेलाल की कॉमेडी तो एकदम नंबर वन है इसमें। मैं देखना चाहता हूँ ये लिखी शायद तरुण कुमार जी नहीं है, सुशांत पंडा जी ने ही लिखी है, और अनुराग कुमार सिंह। तो काफ़ी अच्छा इसका इसमें सबका काम है, और जो इसमें स्टैंड आउट करती है चीज़ वो है आर्ट, बहुत ही अच्छी आर्ट है इसकी। और ये एक्सपेक्टेशंस जगा देता है तीसरे भाग के लिए, और आप देखें इसमें आर्ट बहुत अच्छा है। इसमें बांकेलाल का एक ये जो तिलिस्म है, इसमें ये पता चलता है कि ये जब अश्वराज उसकी जड़ तक जाता है तो वहाँ पे कुछ एक दूसरी टाइमलाइन निकल के आती है बांकेलाल की, तो वो सब बहुत कॉमेडी होती है इसमें। और इसका अगला भाग है स्वर्ण ग्रंथ, तो ये यहाँ पे एक अपडेटेड लिस्ट दी गई है सारी बुक्स की। तो स्वर्ण ग्रंथ के लिए काफ़ी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई हैं, बिकॉज तरु तिलिस्म बहुत अच्छी बुक निकली है, और ये उसकी सिनॉप्सिस है यहाँ पे। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, और संजय गुप्ता जी की जो नई बुक्स आ रही हैं उसमें ऐसी बुक्स आएँ जिसमें पुराने तरह का आर्ट भी मिले, और एक एक फ्रेश स्टोरी, एक फ्रेश मज़ेदार एंटरटेनिंग टाइप की बुक आपको मिले, तो बहुत मज़ा आता है। और आर्ट तो मेन है, आर्ट और स्टोरी दोनों ही अच्छी होनी चाहिए जो इस बुक में है। तो यही तरु तिलिस्म का एक छोटा रिव्यू मेरी तरफ से, और आई रियली लाइक दिस बुक, होप यू एन्जॉय टू, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डेज, सी यू नेक्स्ट वीडियो।